नमस्कार, पंजाब की सी टीवी में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, बात करेंगे नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला आज का ये वर्ल्ड कप का तीसरा मैच होने वाला है, और अगर हम टॉस की बात करें तो 30 मिनट जो है वो डिले हो गया है। फिलहाल किस तरीके से क्रिकेट प्रेमियों की तादाद जो है वो बढ़ने शुरू हो गई है वो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करूँगी। अपने सहयोगी से कहूँगी कि ज़रूर यहाँ की तस्वीरें जो है वो साझा करें। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नीदरलैंड की जो टीम है उसके प्रशंसक यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये स्पोर्ट जो है वो नीदरलैंड की टीम को करने वाले हैं। जो देश इतना बड़े आयोजन कर रहा है उसकी जीत भी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से ये भाई बंधु आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अविनाश शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? मैं कुटलर से आया हूँ। जाना चाहेंगे बारिश हो रही है, किस तरीके से मैच का लुत्फ आप यहाँ पर उठाने वाले हैं? जो धर्मशाला स्टेडियम है इसमें बारिश का हल्का हल्का मौसम ना हो तो इसमें मैच देखने में कुछ आनंद ही नहीं है। इसमें हल्के फॉरन में दूर दूर से लोग देखने आते हैं। जो धर्मशाला का स्टेडियम है इसमें जो ये रोमांच भरा मौसम होता है उसको देखने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने इतनी बढ़िया इसमें लोकेशन देख के इतनी बढ़िया ग्राउंड का निर्माण करवाया है। और कौन आया है आपके साथ? मेरे साथ सारे कॉलेज के लड़के हैं। अच्छा, अगर मौसम खलल डालता है तो फिर किस तरीके से रहेगा, क्योंकि अगला मैच जो है वो इंडिया का रहने वाला है? इसमें मौसम तो अभी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें काफी सुधार हुआ है, अगर हल्की बारिश होती है उसमें मौसम में कोई खलल आज किस टीम को आप सपोर्ट जो है वो करने वाले हैं? हम नीदरलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि नीदरलैंड एक छोटी सी कंट्री है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके साथ एक छोटी सी कंट्री मैच खेल रही है, तो उनका एक मनोबल थोड़ा बढ़ेगा अगर उनके हम समर्थन में होंगे। अगर इंडिया का होता है इनके साथ फिर तो हम इंडिया का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? पंकज उपमन्यु, बंगाणा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ से आए हैं? बंगाणा डिस्ट्रिक्ट ऊना से। ओके, आज बारिश भी हो रही है, मैच कहीं ना कहीं धुलता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम इतने दूर से मैच देखने आए, पूरी युवाओं की टीम आई हुई है, तो हम चाहते हैं इंद्रनाग देवता से हम प्रार्थना करेंगे कि ये मैच हो, बारिश रुके, क्योंकि एक साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड की टीमें आज यहाँ पर मैच खेलने आई हुई हैं, तो नीदरलैंड एक युवा टीम है, हम उसको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। और ये जो वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन हमारा भारत देश कर रहा है, तो हम एक चाहते हैं कि एक सफल आयोजन हो, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और युवाओं में भी इस मैच को देखने के लिए बहुत उत्साह है, तो हम भी इस मैच को देखने के लिए ऊना से आए हुए हैं। जी, अगर बारिश हो जाती, क्योंकि अभी बात करें तो मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है, बारिश अभी की बात करें तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, हल्की हल्की यहाँ बारिश लगी हुई है, लेकिन फिर भी हमें बहुत यहाँ से बहुत आशा है कि ये मैच शुरू होगा, लेट हो लेकिन मैच जरूर होगा, चाहे 2020 हो, मैच जरूर होगा। किसको जीतते देखना चाहते हम? नीदरलैंड जीतेगा बे, जीतेगा नीदरलैंड, जीतेगा बे, जीतेगा नीदरलैंड, जीतेगा। इसके लिए हम पंजाब केसरी चैनल का भी धन्यवाद करते हैं जो हमें यहाँ पर उन्होंने कवरेज दी, क्योंकि हम सभी युवा इतने दूर से आए हुए हैं। जी, थैंक यू, धन्यवाद मैम। देख सकते हैं कि किस तरीके से तादाद धीरे धीरे जो क्रिकेट प्रेमी है बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो बारिश जो है वो लगातार हो रही है, अभी की बात करें तो हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें मैच को लेकर के तो मैच जो है वो अभी आधा घंटा जो है तो उसे लेट कर दिया है, डिले कर दिया गया है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा साफ बनता है तो टॉस यहाँ पर करवा दिया जाएगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, लोग यहाँ से अपनी अपने गेट की तरफ को जा रहे हैं ताकि समय पर वह अपनी कुर्सी पर बैठ सके। ये गेट नंबर 2 की तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चहलकदमी जो है वो बढ़ने शुरू हो गई है। पंजाब के सी आओ ना, पंजाब के सी
ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी क्रिकेट प्रेमी जिन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही किस गेट से उनकी एंट्री है, यहाँ पर बताया जा रहा है। देख सकते हैं स्काउट एंड गाइड के जो स्टूडेंट हैं वो भी मैच देखने यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो पहला मैच 7 अक्टूबर को हुआ था, दूसरा मैच 10 अक्टूबर को हुआ था, उन मैचों में और आज के मैच में स्कूली बच्चे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अभी की बात करें तो स्काउट एंड गाइड के ये बच्चे हैं जो कि गेट नंबर 2 से क्रिकेट स्टेडियम की ओर जा रहे हैं। इसके साथ ही जो भी गेट के अंदर जाएगा प्रॉपर पुलिस यहां पर चेकिंग करके टिकट दिखा के अंदर जो है वो उन्हें भेजा जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, गेट नंबर 2 की ये लाइव तस्वीरें हैं और ये साथ ही स्काउट एंड गाइड के ये स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट भी मैच जो है वो लगातार देख रहे हैं। देख सकते हैं रुझान यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों का अब दिखता नजर आ रहा है। अब क्योंकि आधा घंटा जो है वो डिले कर दिया गया है तो उसके बाद ही मैच शुरू होगा और बारिश भी हल्की हल्की शुरू है। इस मैच को लेकर के जो HPC है उनकी भी दुख दुखी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है क्योंकि मौसम जो है 2 दिन से ख़राब है और कल तक मौसम विभाग द्वारा यही कहा गया है कि कल भी मौसम जो है वो ख़राब रहने वाला है। तो इसी बीच अब देखना ये होगा कि आधे घंटे बाद सोच होता है मैच शुरू होता है या नहीं। ये देख सकते हैं लोग जो है वो स्टेडियम की ओर जाना शुरू हो गए हैं। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ हम मुझे दे इजाज़त क्योंकि आधे घंटे बाद टॉस जो है वो होने वाला है, तभी हम आपसे जुड़ेंगे कि किस टीम ने टॉस जो है वो जीता है और कौन पहले बल्लेबाजी जो है वो करने टीम उतरेगी। धन्यवाद।